कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके लिए कुछ एक नया लेक्चर लेकर आ गया। दोस्तों मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सरस्वती जी की अपरंपार कृपा मेरे ऊपर, अपरंपार कृपा है मेरे ऊपर, बेटे मैं आप ही का, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीडब्ल्यू, मैं लंदन, मैं अमेरिका, मैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सब कुछ छोड़कर मैं आपका। आज लेक्चर टू हम शुरू करने जा रहे हैं बेटे, चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मैंने जान के आईटी नहीं लिखा, क्योंकि कुछ बच्चे ढीले ढीले बैठते हैं, झुककर बैठते हैं, उनको लगता है ये आईटी का मतलब है इनकम टैक्स, उनके थप्पड़ मारने का दिल करता है मेरा। बेटे इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मैं आज आपके सामने पहली बार अपनी बुक से, पिछले लेक्चर में तो मैंने बुक से भी कुछ नहीं बताया, एक अपनों से अपनी सी बात की कि भाई लॉ है क्यों। आज हम बिना अमेज़न के जी नहीं सकते, आज हम बिना ई कॉमर्स के जी नहीं सकते, तो उन सभी चीजों को रेकॉग्नाइज करने के लिए, उन ऑफेंसेस को डील करने के लिए बेटे लॉ आया था, वो लेक्चर वन था, आज लेक्चर टू है। आप जल्दी से रजिस्टर बाहर निकाल लें, आप ये चैप्टर शुरू में नहीं देख रहे, सेकंड लास्ट चैप्टर देख रहे। मैंने लेक्चर वन में बताया था कि आपको किस तरह से चैप्टर्स देखने हैं, और इसको मैंने सेकंड लास्ट रखा था, आप उसी प्रायोरिटी में रहेंगे तो फायदे में रहने वाले। चलिए जी शुरू करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का लेक्चर टू। रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए, बुक बाहर निकाल लीजिए बेटे, हाइलाइटर बाहर निकाल लीजिए, जल्दी बेटे, आज देरी ना होने पाए बेटे, अब तो जाग जाओ, अब तो जून दिसंबर आ ही गया, अभी भी सो रहे हो? अब नहीं बेटे, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, भोर का मतलब सुबह हो गई, अब रैन कहां जो सोवत है, अब रात कहां है यार जो तू सो रहा है, अब मत सो, अब मत सो, अब मत सो, उठ भोर भई, उठ भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोत है, जो सोता है सब कुछ खो लेता है, जो जागत है सब पावत है, जो जागत है सो पावत है। बेटे शायद आपने ये बातें सुनी होंगी अपने बड़ों से, या कहीं पे पढ़ा होगा, बेटे लाइफ में यही सत्य है, आप ढीले ढीले बैठेंगे, आलसी रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, भले आपकी किस्मत में करोड़पति बनना हो, नहीं मिलेगा जब तक कर्म नहीं करोगे। तो कर्म का प्रधान है, अलॉन्ग उसके साथ साथ अगर कुछ नेचुरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, जिसमें पहला प्रिंसिपल अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना। बेटे मैंने रिस्पेक्ट की, मुझे इतना कुछ मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। बेटे आपके घर में भगवान बैठे हैं, भगवान उनकी पूजा करो, उनका आशीर्वाद लो और फिर पढ़ाई करो। बेटे पास कैसे नहीं हो गए यार, ब्रह्मा जी आएंगे तभी पास कर देंगे। आइए आइए आज के लेक्चर में, मैं पहले तो बुक ओपन करवा दूं आपकी, बुक खोल लीजिए, बुक ओपन कीजिए और बेटे पहले कंसेप्ट में आ जाइए, ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ इनेक्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट।
क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है इस एक्ट को लाने के लिए। आज की लेक्चर में मैं ये कंसेप्ट ही करने वाला हूं। वैसे कंसेप्ट टू भी इसी से मिलता जुलता ही है। क्या है? फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बेटे कंसेप्ट वन है ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ आईटी एक्ट, और बेटे कंसेप्ट टू है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ। तो मुझे लगता है कि फीचर्स और ऑब्जेक्टिव दोनों आज कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में कुछ काफी हद तक मिलते जुलते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट थ्री करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। फिर डेफिनेशंस होंगी लेक्चर फोर में। फिर लेक्चर फाइव में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बातें करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बातें करेंगे। सिक्स्थ में सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सीए क्या है, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। फिर एओ पिक्चर में आएगा, आपकी गलतियां निकालेगा, आपको पेनल्टी लगाएगा, और आपको लगेगा कि अगर अन्याय हो रहा है तो आप साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। बस बेटे ये नो कंसेप्ट हमने करने हैं। बेटे हम नो कंसेप्ट करेंगे, और समझ लीजिए 8-9 लेक्चर्स लगने, छोटे छोटे तो लेक्चर्स हैं बेटे, और हमारा एक एक कंसेप्ट एक एक लेक्चर से क्लियर हो जाएगा, और आएगा भी वही जो मैंने बुक में दिया हुआ। बेटे मैंने स्टडी, मैंने पास्ट ईयर पेपर्स, मैंने आरटीपी, मैंने एमटीपी सब कुछ कवर कर दिया है, आपको टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। देखिए क्या लिखा है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जितनी मेहनत के बाद आपका वो ग्रुप होगा उतनी 25 फरवरी और 25 अगस्त को आपको खुशी मिलेगी। क्या बढ़िया बात लिख दी। आइए जी पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेक्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि क्या ऑब्जेक्टिव थे 2000 एक्ट लाने के। उसके बाद बेटे मैंने फ्लो चार्ट बनाया, भी देख लेंगे मैं। उसके बाद फीचर्स भी लेके जाऊंगा, फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट। फिर डिजिटल सिग्नेचर बाद की बात है। आइए जी आइए 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 मेरी कहानी को पहले सुनिए, कहानी किस्मत की। बेटे हर चीज का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। आज आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, या आप फेस टू फेस में आ रहे हैं, या आप यूट्यूब से देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने भूपेश आनंद से आईटी एंड एसए एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अगर भूपेश आनंद से कर लिया तो आपकी बल्ले ही बल्ले आपके तीनों ग्रुप क्लियर हो जाएंगे अगर मॉड्यूल 2 में नंबर अच्छे आए, क्योंकि यही तो मॉड्यूल है जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बेटे 80% के लिए आज आप मेहनत कर रहे हैं। आपका एक ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि 25 फरवरी या 25 अगस्त सुबह 10 बजे आपकी बल्ले बल्ले आपके घर शहनाई वादन होगा। बेटे 25 फरवरी या 25 अगस्त शहनाइयां बजनी शुरू हो जाएंगी। शहनाई वादन बेटे वो भी दिन आएगा, उस दिन को हम कहते हैं कयामत वाला दिन, कयामत वाला दिन। तो बेटे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप 25 फरवरी 25 अगस्त को पास हो जाएंगे।
आप सीएस क्वालिफाइड हो जाएं और उसके बाद ट्रेनिंग करके जल्दी से सेटअप हो जाएं लाइफ में, यही तो ऑब्जेक्टिव है। ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अभी हम उस ऑब्जेक्टिव में नहीं जा रहे, मैं कह रहा हूं चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, एक ऑब्जेक्टिव है तभी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। नहीं तो बेटे आपको कंट्रोल करे करना आसान काम है बेटे, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को आराम से दो घंटे आधा घंटा बिठाना, और आप तो कितने चैप्टर्स देख चुके हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव हर किसी चीज का होता है बेटे, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट क्यों ना हो, चाहे वो फेमा क्यों ना हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट क्यों ना हो, इस दुनिया में जितने भी एक्ट बने बेटे उन सभी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो बना बेटे इसका भी ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आराम से बेटे आराम से, या ऐसा समझ लें दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया बेटे। इसलिए डिवाइड करना पड़ा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जब आया था तो उस समय ऑब्जेक्टिव इतने थे, फिर 2008 में इतने हो गए। क्यों? क्योंकि हमें धीरे धीरे मैच्योरिटी आई, हमें समझ आई कि कहां पे गलतियां हो गई थी 2000 में। तो इसलिए आपको पेपर में क्वेश्चन जो भी आएगा ध्यान से देखना है बेटे। मैं ये कह रहा हूं एक तो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और बेटे इसकी दो ब्रांचेस हो सकती है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक की ऑब्जेक्टिव्स। एक तो होता है ना कि भाई जनरली हम ये करना चाहते थे, आप सब जनरली पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आप बड़े बनकर सीएस बनकर लाइफ में एक एनजीओ खोलना चाहते हो, ये आपका की ऑब्जेक्टिव, की मैन, ही मैन, स्पाइडरमैन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको अब ये देखना है कि पेपर में आपसे कौन से एक्ट के ऑब्जेक्टिव पूछे हुए बेटे, ध्यान से बेटे बेटे ईयर 2000 के पूछे या ईयर 2008 के पूछे, मतलब एक्ट में, क्योंकि 2000 एक्ट में और 2008 में मेजर अमेंडमेंट ला गई थी, तो क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो क्वेश्चन दिया आपको अपनी बुक में पहला, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने उसमें लिखा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। लेकिन आपको पेपर में 2008 के भी आ सकते हैं, कोई घबराने नहीं, हम दोनों डिस्कस करेंगे। आप मेरी कहानी सुनिए बेटे, मैंने आपको एक बात बतानी है। जब हम 2000 की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है टू ग्रांट, अभी लिखना नहीं है, टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन। बेटे पहली चीज है हम लीगल रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, ठीक है। टू फैसिलिटेट, हम कुछ चीजों की फैसिलिटी देना चाहते थे। टू अमेंड एंड टू डील। कमर सीधी है बेटा आपकी, रजिस्टर खुला हुआ है, इरादे बुलंद हैं, और आप ध्यान से मेरी बातों को देख रहे हो, मेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, मेरा हाथ कब ऊपर चला जाता है, कब नीचे आ जाता है, कब मेरी आंखें बड़ी बन जाती हैं, कब मेरी टोन चली नीचे आ जाती है, कब टोन ऊपर चली जाती है। बेटे मैं सब ड्रामे क्यों कर रहा हूं कि आप इतनी दूर बैठे हैं,
आप बंधे रहेंगे मेरे से, आप में वही एनर्जी आएगी जो मैं एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, मैं दिल से दिल तक पढ़ा रहा हूं बेटे। अब सुनना, ये 2000 में जब हम बहुत छोटे से बच्चे थे, छोटे मोटे बच्चे थे, उस समय जब हम ई कॉमर्स की बातें करते थे तो इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था ई कॉमर्स का, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हो चुकी थी, तो हमने उस हिसाब से लॉ बनाया। लेकिन 2000 के बाद 2008 तक हलचल मच गई, आंधी आ गई, आंधी ऑफेंसेस की आंधी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस की आंधी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की आंधी, और बेटे और भी बहुत कुछ ऑफेंसेस आए, जैसे पर्सनलाइजेशन, आइडेंटिटी चेंज करके लोग डिजिटल सिग्नेचर कर देते थे बेटे, ऑब्सेंस मटेरियल के मैसेजेस वीडियोस भेज देते थे, फिशिंग करते थे। तो बेटे उन चीजों को कवर करने के लिए हमने 2008 में वो डाला। तो पहली बार हमें सबसे पहले लीगल रिकॉग्निशन देनी थी, किसको बेटे, ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस, ईएफटी को, ई डीआई को, ई गवर्नेंस को, ई रिकॉर्ड्स को, चेक कर लीजिए, ई ई ई ई याद करना है, जान के लिख रहा हूं, जान के बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि आप दूर बैठे फिर भी आपके दिमाग में चला जाए। और फिर टू फैसिलिटेट मेंटेनेंस ऑफ ई रिकॉर्ड्स, टू फैसिलिटेट ई गवर्नेंस, टू फैसिलिटेट द स्टोरेज इन ई फॉर्म, अमेंड आरबीआई एक्ट, ये तो रीजन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, टू डील विद ऑफेंसेस। बेटे ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और समय ने करवट ली, जैसे समय ने करवट ली तो हमने जो 2000 में सोचा था उससे तो बिल्कुल यू टर्न हो गया हमारी इकोनॉमी में। बेटे डिजिटल सिग्नेचर से हम आ गए ई सिग्नेचर्स में, बेटे हम डिजिटल सिग्नेचर से ई सिग्नेचर्स में आ गए, हमने प्राइवेट डाटा को की सिक्योरिटी के लिए नए प्रोविजंस बनाए, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं एक ह्यूमन बीइंग के और जो प्राइवेट डाटा है एक ह्यूमन बीइंग का, वो एक्सपोज होने लग गया, लोगों ने उसको मिसयूज किया। तो बेटे उस चीज को रोकने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, बेटे ऐसे बड़े सारे नए नए मुद्दे आ चुके थे हमारी गवर्नमेंट के सामने कि उन सबको कवर करना था, फिशिंग को कवर करना था, पर्सनलाइजेशन को कवर करना था। तो बेटे इसके लिए अमेंडमेंट एक्ट 2008 है। तो बेटे आइए जल्दी से, मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए क्लास नोट्स प्रिपेयर किए हैं बेटे, मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप लिखोगे। वैसे ही ये मैंने आपको बुक में दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लिखेंगे, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट नॉर्मल नहीं है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपना भला नहीं सोच पा रहे, मुझे आपका भला सोचना है, आप प्लीज इसको लिखें। बेटे लिखने के बाद ज्यादा समझ आता है, मैं तब तक पानी पीऊंगा बेटे, आप जल्दी से लिख लें, लिखो बेटे। लेक्चर टू, ऑब्जेक्टिव्स / फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी फ्रेम्ड इन ऑब्जेक्टिव्स। बेटे 3 तरह के
क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए। पहला, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, की ऑब्जेक्टिव्स एंड अमेंडमेंट ऑफ आईटी एक्ट 2008 ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको देखना है कि पेपर में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बेटे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कमर सीधी बेटे, कमर सीधी मेरे बच्चे, मैं पानी लेके आ रहा हूं, आप लिखिए। बेटे पानी है, ये देख लीजिए, ये देखा पानी, पानी है बेटे, चाय नहीं है बेटे, चाय में पीते नहीं बेटे। ऑब्जेक्टिव्स फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम्ड इन ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, की ऑब्जेक्टिव्स एंड अमेंडमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। तो चलिए जी, आज लेक्चर टू में पॉइंट टू लिख रहे हैं। फॉलोइंग आर सिक्स सेवन, बेटे छह सात, फॉलोइंग आर सिक्स सेवन जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। पहला, टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन, लीगली रिकॉग्नाइज करना, लीगली रिकॉग्नाइज करना, लीगली रिकॉग्नाइज करना, टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन, टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट थ्रू e-commerce, carried out through e-commerce। तो पहला ऑब्जेक्टिव था लीगल रिकॉग्निशन। मैं जान के रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए, आप ये मत समझना है मास्टर पागल है, कोई बात नहीं, समझ भी लो तो क्या फर्क पड़ता है, आपके समझने ना समझने से मैं कोई पागल थोड़ी हो जाऊंगा, मुझे आपका भला करना बस। टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रांजेक्शंस कैरिड आउट थ्रू ई कॉमर्स, मतलब आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट की वो सेल है, आपकी परचेज है, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं डेबिट से या क्रेडिट से या कैश ऑन डिलीवरी, उसको रिकॉग्नाइज करना, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करना सेल ट्रांजेक्शन, और अमेजन इसी तरह से आगे से परचेज कर रहा है, तो बेटे उन सभी चीजों को रिकॉग्नाइज करना एक ऑब्जेक्टिव था आईटी एक्ट। तो पहला लिख लिया हो तो दूसरा, टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन, यहां भी लीगल है, टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू ई सिग्नेचर्स। बेटा एक फिजिकल सिग्नेचर्स होते हैं, जैसे ये है, ये देखिए, ये मैं फिजिकल सिग्नेचर्स कर रहा हूं चेक में, जो हम चेक में करते हैं, ये देखिए पेन ही नहीं चल रहा, ये लिख दिया, ये बेटे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में हम सिग्नेचर करते हैं बेटे, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बातें करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक ई फाइलिंग करेंगे, हम एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो बेटे हमें ई सिग्नेचर लगाने चाहिए, तो उसकी बात कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू e-signatures as a method of authentication of electronic documents and transactions, electronic documents को और electronic transactions को legally recognize करना, इसको हम कहते हैं objective two। थ्री, यहां भी लीगल, एक बच्चा कह रहा है यार ये आसान हो गया,
अब याद करना, हाँ बेटे आसान हो गया, बिल्कुल बेटे मैंने जान के ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे लिखा है कि पहले जिस जिस में लीगल रिकॉग्निशन है मैंने उसको साथ साथ लिखा। अब बेटे देखो ऑब्जेक्टिव फोर उसमें भी मैंने लीगल रिकॉग्निशन लिखा है, तो बेटे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जल्दी लिखो बेटे, बेटा थर्ड है टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू बुक कीपिंग, मतलब आप टैली से जो बुक्स बनाते हो इलेक्ट्रॉनिकली उसको लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया। टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो पेन ड्राइव में हमें पैसे देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर करते हैं उसको भी लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया। टू फैसिलिटेट, बेटा ये दो चीजें, ये फैसिलिटेट और ये डील। टू फैसिलिटेट ई स्टोरेज ऑफ डाटा, टू फैसिलिटेट टू डील विद इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, टू डील विद इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस। तो मैंने कुल मिलाकर आपको 6 ऑब्जेक्टिव्स बताए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अभी देखेंगे बेटे मैंने शायद 2-3 ज्यादा भी लिखे हो, कोई घबराना नहीं है, आप आगे चलिए जी। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है बेटे, अब आईटी एक्ट 2008 में हम क्या ऑब्जेक्टिव से आए और क्यों अमेंडमेंट लेकर आए, जल्दी से बेटे। थर्ड पॉइंट, फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। पहला, टू मेक प्रोविजंस फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल डाटा, बेटे इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, प्राइवेसी मेंटेन रखना, सिक्योरिटी मेंटेन रखना ऑफ पर्सनल डाटा, लोगों का जो पर्सनल डाटा था, लोगों के जो पर्सनल बॉडी के पार्ट्स थे, लोगों के जो पर्सनल इंफॉर्मेशन थी उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, बेटे ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था अमेंडमेंट एक्ट 2008 का। लिखो बेटे लिखो, लिखना है, फिर कह रहा हूं जीत का एक ही रास्ता आईटी में, लिख लो लिख लो। टू मेक प्रोविजन फॉर, मैंने बताया बेटे नए तरह के लोग गलत काम कर रहे थे, नए नए तरह की बातें हो रही थी, और बेटे हमारे देश में तो धर्म का देश है, तो बेटे उन ऑफेंसेस को रोकने के लिए पेनल्टी लगाने के लिए, टू रिकॉग्नाइज ई सिग्नेचर, बेटे हमने डिजिटल सिग्नेचर से हटकर ई सिग्नेचर में आ गए, एंड टू क्रिएट साइबर सिक्योरिटी, बेटे पाकिस्तान के नापाक इरादे थे साइबर टेररिज्म, यहां से रिसोर्सेज यहां से नॉलेज वहां भेज रहे थे, उस चीज को रोकने के लिए हमने सिक्योरिटी बनाई, हमने 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 डिजिटल सिग्नेचर को ई सिग्नेचर में चेंज किया, हमने लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए 2008 में नए लॉज लेकर आ गए। आइए इंपॉर्टेंट नोट, बड़ा ही प्यारा सा नोट है बेटे, लिखना है, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 फॉलोइंग ऑफेंसेस वर एडेड, बेटे एक तो ऑफेंस एड किया गया फिशिंग, एक एड किया गया साइबर टेररिज्म, एक एड किया गया पर्सोनेशन, मतलब
मतलब किसी दूसरे की आइडेंटिटी दिखाकर कुछ काम करना, वीडियो क्रिएशन फॉरबेंस मटेरियल और सीन मटेरियल का, बेटा ये सब कुछ रोकने के लिए हमने अमेंडमेंट एक्ट 2008 में छलांग मार दी। चलिए जी, आइए आइए, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप बुक में आ जाएं एक बार, बेटे बुक में आ जाएं, आ जाएं, आइए आइए, मेहरबान कदरदान। बेटे क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? कोई बात नहीं बेटे, 2000 क्या हो गया, मैं हाईलाइटर बाहर निकाल लीजिए, मैं पहले जल्दी से सभी चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं बेटे, बेटे आपके फायदे के लिए मैं अपनी बुक भी रंगीन बना रहा हूं, रंग दे मुहे गुलाबी। बेटे जितनी बढ़िया आपकी कलरफुल बुक होगी उतना आपके नंबर ज्यादा आएंगे, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, आपका पढ़ने को मन करेगा बेटे कलरफुल चीजों को। तो आप अपने रंग बिरंगे हाइलाइटर बाहर निकालिए और रंग दीजिए ना, हेडिंग को रंग दीजिए, रंग दे दुपट्टा, रंग दे दुपट्टा। आइए 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 बेटे, मैंने 8 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, जल्दी से हाईलाइट कर दीजिए बेटे, ध्यान से हम देखेंगे। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन, टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन प्लेस ऑफ ऑफ, अब दिख नहीं रहा मेरे पीछे आपके बुक में तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, ऑर्गेनाइजिंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये मैंने उसमें नहीं बताया, कोई बात नहीं अभी बताऊंगा। डिजिटल सिग्नेचर को इशू करने के लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई जो सर्टिफिकेट देती थी, उसको कह दिया सर्टिफाइंग अथॉरिटी, अभी कर लेंगे। रिकॉग्नाइजिंग ऑफेंसेस, क्रिएशन ऑफ साइबर रेगुलेटरी एपलेट ट्रिब्यूनल कह दीजिए या खाली कैट कह दीजिए, अमेंडिंग रेलेवेंट लॉस कौन कौन से, आरबीआई, इंडियन पेनल कोड। तो बेटे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे ईयर 2000, और मैंने चांस की बात है बुक में 2008 के ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे, वो लिखवा दिए, इसीलिए मैं कहता हूं बेटे क्लास नोट्स को लिखना जरूरी है। तो यहां पर आप रेफर कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, रेफर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी 2008 फ्रॉम रजिस्टर, लिख ले बेटा लिख ले, रेफर 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 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट 2008 फ्रॉम रजिस्टर, पीछे आ गया जी नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। बेटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, तो कहां नहीं है, एक्सेप्शंस क्या है बेटे, हर लॉ में एक्सेप्शंस हैं, जैसे सर्विस टैक्स जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन है बेटे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं है बेटे डिजिटल सिग्नेचर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको पता ही है बेटे, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट, विल, जैसे अभी अमिताभ बच्चन साहब ने विल की है कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद मेरे बेटे अभिषेक को और मेरी बेटी को आधी आधी बांट दो, विल, इसको इलेक्ट्रॉनिक नहीं कर सकते, फिजिकल होगी। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं तेरे को ये बेच दूंगा, कोई कह रहा है अच्छा मैं तेरे से खरीद लूंगा, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए। एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस एज नोटिफाइड बाय बड़े पापा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़े पापा कहता हूं। आइए जी, बड़ा ही प्यारा सा आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया बेटे, अगर आप फ्लो चार्ट थोड़ा सा भी बनाकर आएंगे, थोड़ी सी भी फिगर्स बनाएंगे, यकीन मानिए आपके नंबर ज्यादा आएंगे, मैं आपको जीत का रहस्य बता रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव्स जरूर करके जाने हैं, और मैं आ गया जी फीचर्स में,
फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब फीचर्स आए या ऑब्जेक्टिव्स आए, आपने लिखना भैया, आप चेक कर लीजिए मेरे फॉर्म हो, 99% चीजें वही है, जान के बता रहा हूं कि आपको पता हो, फीचर्स हो या ऑब्जेक्टिव्स हो, दोनों सेम है। लीगल रिकॉग्निशन, लीगल रिकॉग्निशन, अब इसमें एक सिस्टम है असिमेट्रिक क्रिप्ट सिस्टम, मैंने बताना है अभी, अभी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। तो बेटे यहां पर लेक्चर नंबर 2 मैं यहां पे कंप्लीट कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि जब हम लेक्चर 3 में मिलेंगे तो आप ये फीचर्स तक के क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे 2-3 बार, और बेटे इसको ध्यान से समझ के आएंगे, क्योंकि लॉजिक तो मैंने सारे बता दिए। तो बेटे फिर क्या होगा, लेक्चर 3 ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि लेक्चर 3 ऑनवर्ड्स हम थोड़ा टेक्निकली चले जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं बेटा, फिर मिलेंगे, अभी तो लाइफ बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, फिर मिलते हैं।